उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम को अभी फांसी नहीं होगी। उसके अधिवक्ता द्वारा राज्यपाल के यहाँ दायर की गई दया याचिका उसकी ढाल बन गई। इस याचिका के निस्तारण तक उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकेगा। रामपुर जेल प्रशासन द्वारा अमरोहा सेशन कोर्ट को भेजी गई याचिका की प्रति के आधार पर डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सका। कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शबनम ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि उसकी मां की फांसी के फैसले को टाल दिया जाए। गौरतलब है कि अप्रैल 2018 को शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों ने ही उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में दोनों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उसके कथित प्रेमी सलीम की दया याचिका अब भी राष्ट्रपति के पास लंबित है।